All you left me was a radio, and it goes like ooh. या मेरा नहाना धोना हो गया, मैं आ गई ऊपर धूप में अपना नाश्ता पानी लेके। और मैं नाश्ता क्या करने वाली हूँ आप सबको दिखाऊँ, दिखाती हूँ। ये देखिए गाजर का हलवा, पानी अभी फ़िलहाल लेके आई हूँ, उसके बाद चाय के साथ कुछ और। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वंदना ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो तबीयत मेरी काफ़ी अच्छी है और मैं डेली आप सभी से यही कहती हूँ, तो मुझे सच में अब ये कहते हुए अच्छा लगता है कि मैं पहले से स्वस्थ हूँ। तो काम बहुत है, चलिए शुरू करती हूँ और आगे आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। भी यहाँ लग चुका है, ये पहले कमरे में था, कमरे से बाहर आया आप देखिए, और मशीन भी मेरा चल रहा है, कपड़े हो गए फैला दो। देखते रहते ना तो अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता, सबको देखते रहो, अपना काम करते रहो। प्रभु को वीडियो कॉल करने जा रही हूँ, देखिए प्रभु फ़ोन उठाते कि नहीं, अभी आप सबको दिखाती हूँ मैं। कर दिया देखिए उठा के, प्रभु ने फ़ोन उठाया नहीं, बिजी होंगे, मैं आप सबको दिखाती हूँ। कट गया, यह चाय मेरी गिर गई है और दवा चाय पानी सब लेके मैं ऊपर आ गई। अब मैं नाश्ता कर लूँ, धुल के मैंने कपड़े फैला दिए, अब मैं चल रही हूँ नीचे कुछ और काम करने। हाँ विशाल सेवा कर रहे प्रभु का, अरे सॉरी प्रभु का कर रहे। देखो सिंजो केला खा रहे, ये देखो तुम बहुत टेस्टी हो गए हो, ये देखो कट 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 कट। विशाल तुम आज हमको फिर देख के रिलैक्स महसूस कर रहे हो ना, मतलब सोचो मैं उठ गई हूँ सही है। अरे तो बहुत दिन बाद थोड़ा सही लग रहा है। चलो तो तुम संजो खिलाओ, मैं और कुछ देखती। बच गया 5:20 हो गया और मैं गई थी सो। अब चलो भगवान का दिया जलाना, पहले थोड़ा बर्तन धुल के दिया है, चलिए दिया जलाते हैं भगवान का। डेली ये भी एक काम बहुत होता है, बर्तन रखना, बर्तन धुल के हटाना, बर्तन तो जैसे ख़त्म ही नहीं होता, निकलते रहते हैं। कुछ सूखे उसके अंदर, उसको अंदर डालो फिर धुलो, यही दिन भर का भैया रूटीन है। बर्तन तो ख़त्म होने का नाम नहीं लगता है, और हमें लगता है अगर कपड़े बर्तन ना हो तो घर में कोई ज़्यादा काम नहीं है। आप सबको ऐसा लगता है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अप्पी खा लो। सिंजो ये गाजर अप्पी खा लो, देखो भाई सिंजो अप्पी खा रहे हैं गाजर, है अच्छा लग रहा ना। चलो तुम गाजर खा लो, मैं चाय पी लूं। फ़ोन मिलाया था लेकिन बात नहीं हो पाई, वो जो खाएंगे वही मैं बनाऊंगी। तो चलिए देखिए मैं क्या बनाती हूँ। तो चलिए भाई ऑर्डर मिल चुका है, क्या वो लोग खाएंगे, तो चलिए आप सभी के साथ मैं बातें भी करती हूँ और बनाती भी हूँ, उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। दाल चावल और सब्जी खाना है, तो कौन सी सब्जी बननी है चलिए आगे आप सबको दिखाती हूँ। हाँ जी आ गई। सब्जी देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे कि कौन सी सब्जी बनने वाली है, और आज मैं थोड़ा स्पेशल ढंग से बनाऊंगी। तो आइए चलिए शुरू करती हूँ, आप सब भी देखिए और आप सबसे थोड़ी बातें भी होती जाएंगी इसी बहाने। और वैसे पहले मैं बता दूं, मैं जब बात करती हूँ और उस समय बनाते हुए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलने में, अगर कहीं गलत बोल दूं तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। वैसे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सही से ही बता दूं आप सभी को,
तो देखिए कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने तेल डाल के उससे पहले इसको फ्राई कर दिया, और गोभी को लहसुन भी तब तक कूच के मैंने रख ही लिया है और पीसूंगी कुछ भी नहीं। तो मैं आज फ्राई करके ही बनाने वाली हूँ, उसे मैं फ्राई नहीं करती हूँ, ज़्यादातर सब्ज़ी मैं जल्दी फ्राई नहीं करती हूँ। तो आज थोड़ा अच्छा खाने का मन है लोगों का कि भैया थोड़ा तेल मसाला ज़्यादा पड़े, तो चलिए शुरू करती हूँ। और सब्ज़ी हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनानी चाहिए, और कलर थोड़ा आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होगा। तो आलू और गोभी को मैंने फ्राई कर लिया, उसके बाद फिर मैं उसमें थोड़ा सा तेल मैंने और डाल दिया, और तेल जैसे हमारा गर्म हुआ थोड़ा सा मैंने हींग तेज पत्ता और वो जो लहसुन मैंने कूट के रखा था मैंने उसको भी डाल दिया। और लहसुन लाल होने के बाद मैं डालने वाली हूँ उसमें प्याज कटे हुए, प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और मैंने आप सबको आगे बताया या नहीं भी बताया तो फिर से बता दे रही हूँ, मैंने कोई चीज़ पीसा नहीं है, बस पीसे हुए मसाले हैं। तो बस जब प्याज भी लाल हो जाएगा फिर मैं डालूंगी इसमें मसाले। All you left me was a radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all you left me was a radio. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, haan ji. मैंने इसमें मसाला कौन कौन सा डाला मैं अब आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं डाल रही थी तो सोचा कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाऊं। तो इसमें मैंने डाला एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसमें पड़ा है मीट मसाला कि सब्ज़ी को मुझे स्पेशल बनाना था तो मैंने डाल दिया इसमें मीट मसाला, और नमक डाल दिया। नमक डालने के साथ मैंने थोड़ा सा पानी डाला, मसाले को भूना। मसाला भूनने के बाद मैंने पहले मटर को डाल दिया, मटर को मैं थोड़ी देर ढकूंगी और उसके बाद मैं बाकी सब्जियों को डालती हूँ, और जो आप सब आगे देखते जाएंगे मैं कैसे बना रही हूँ। और हाँ जी, मैंने टमाटर नहीं डाला है, आप सब सोचेंगे टमाटर तो पड़ा नहीं आलू गोभी मटर में, तो टमाटर अभी देसी वाले आ रहे हैं, मैं देसी टमाटर खाती नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है उससे, एलर्जी प्रॉब्लम है तो मैं नहीं खाती हूँ। जो हाइब्रिड वाला आता है वो उसी को मैं खाती हूँ, अभी वो मिल नहीं रहे तो इस वजह से टमाटर नहीं पड़ रहे मेरे यहाँ। तो ये देखिए फिर मैंने बाकी सब्जियों को डाल दिया है, और बस इसको मैं इसी तरह से भून के पकाऊंगी, और पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा इस सब्जी में, सब्जी बहुत अच्छा बनता है। और आप देखिए अभी कलर थोड़ा हो सकता आपको अच्छा ना लगे, लेकिन सब्जी काफ़ी हेल्दी है क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना, और टेस्टी तो है ही है। तो दिखाती हूँ आप सबको आलू काट के, देखिए मेरा सब्जी रेडी है। All you left me was a radio, and it goes like ooh, ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, ooh.